अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं ना ये लोग, कहते हैं हम उनकी रक्षा करेंगे, तो फिर कैसे 18 लाख हिंदुओं का सारा पैसा, सारा जमा पूंजी, सारी राशि, सारा धन जो उन्होंने पाई पाई करके जोड़ा, किसी ने अपनी बेटी की शादी कराने के लिए, किसी ने अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता का इलाज कराने के लिए, किसी ने सोचा कि 5 साल बाद एक नया घर बनाऊंगा, किसी ने सोचा बच्चों को अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में दाखिला कराकर खूब पढ़ाऊंगा, वो सारे 18 लाख हिंदुओं के पैसे डूब गए आपके शासनकाल में, आपके कार्यकाल। आप सब जानते हैं कि आज से 6 महीने पहले पीएमसी बैंक, जिसका फुल फॉर्म है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक के जितने भी ग्राहक थे, अकाउंट होल्डर थे, उन सबको अपनी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ा और वो बैंक लगभग दिवालिया हो गया। इससे पहले भी कई उदाहरण 2014 से लेकर 2020 के बीच आए, जिसमें छोटे छोटे बैंक्स, पीएमसी बैंक भी हिंदुस्तान की बैंकिंग प्रणाली की दृष्टि से देखा जाए तो एक छोटा बैंक है, काफी छोटे बैंक जिनके चार के नाम तो मैं आज लाया हूं, चार ऐसे छोटे बैंक जो दिवालिया हो गए, फेल हो गए, बंद हो गए, और जितने भी ग्राहक, जितने भी अकाउंट धारक उस बैंक में थे, सबके पैसे डूब गए। लेकिन अभी जो जानकारी आई वो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली है, वो ये है कि यस बैंक, जो भारत का निजी क्षेत्र में 5वां सबसे बड़ा देनदार बैंक है, 5th largest प्राइवेट लेंडिंग बैंक ऑफ इंडिया, वो आज दिवालिया होने की कगार पे खड़ा है। और लाखों वो ग्राहक, लाखों लोग जिन्होंने खून पसीना एक करकर रोज मेहनत करी, दो रोटी कम खाई कि अपनी बेटी की शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जमा कर लें, उन लोगों की सारी जमा पूंजी आज खतरे में है और लगभग वो जमा पूंजी इरोड हो चुकी है, गायब हो चुकी है। वो गायब इसलिए हुई कि इस बैंक ने पिछले 5 सालों में, ध्यान से सुनिए, पिछले 5 सालों में इनडिस्क्रिमिनेट देनदारी करी, यानी कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों रुपए लोन के तौर पर दिए और वो सारे उद्योगपति आज वो पैसा नहीं लौटा रहे। बैंक जो पैसा हमारे अकाउंट में हमें, हमसे जमा करवाता है, चाहे सेविंग्स बैंक अकाउंट हो, करंट बैंक अकाउंट हो, वही पैसा वो आगे उद्योगपतियों को उद्योग चलाने के लिए लोन के तौर पर देता है। आज बड़े बड़े उद्योगपति वो पैसा डकार गए हैं और वो पैसा यस बैंक को वापस नहीं कर रहे हैं, और यस बैंक आज वो सारे पैसे अपने ग्राहकों को नहीं दे पा रहा है। मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे फैक्ट्स रखना चाहूंगा जिसकी जानकारी आपको नहीं है। यस बैंक दिवालिया हो गया, आपके पास ये जानकारी है, आपके पास ये जानकारी भी है कि 2014 में यस बैंक की कुल देनदारी, 2014 जब भाजपा की सरकार बनी केंद्र सरकार में, तो कुल देनदारी मात्र 55,000 करोड़ थी। वो 2014 से 2019 के बीच, यानी कि 5-5.5 साल में, वो 55,000 करोड़ से बढ़कर 2,40,000 करोड़ हो गई। ये जानकारी भी आपके पास है कि सारी देनदारी भी इसी शासनकाल में भाजपा की सरकार में हुई, पैसा भी भाजपा के शासनकाल में डकारा गया और लाखों ग्राहकों का पैसा पूंजीपतियों ने खा लिया इसी शासनकाल में, इसी भाजपा की सरकार के कार्यकाल में। लेकिन एक फैक्ट, एक जानकारी जो आपके पास नहीं है, वो मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, भाजपा कहती है कि वो हिंदुओं की रक्षक है, हिंदू हितैषी है, केवल हिंदुओं के लिए काम करती है, हिंदुओं की रक्षा करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यस बैंक में एक अनुमान के मुताबिक 18 लाख से अधिक हिंदू ग्राहक हैं जिनके पैसे यस बैंक में डूब गए, 18 लाख से अधिक
अकाउंट होल्डर यस बैंक के हिंदू हैं और उनके सारे पैसे भाजपा के शासनकाल में यस बैंक में डूब गए। अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहते हैं, अपने आप को हिंदुओं का रक्षक कहते हैं, तो किस बात की सजा दे रहे हैं वो हिंदुओं को? अपने आप को हिंदू राष्ट्र वाली पार्टी कहते हैं ना ये लोग, कहते हैं हम उनकी रक्षा करेंगे, तो फिर कैसे 18 लाख हिंदुओं का सारा पैसा, सारा जमा पूंजी, सारी राशि, सारा धन जो उन्होंने पाई पाई करके जोड़ा, किसी ने अपनी बेटी की शादी कराने के लिए, किसी ने अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता का इलाज कराने के लिए, किसी ने सोचा कि 5 साल बाद एक नया घर बनाऊंगा, किसी ने सोचा बच्चों को अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में दाखिला कराकर खूब पढ़ाऊंगा, वो सारे 18 लाख हिंदुओं के पैसे डूब गए आपके शासनकाल में, आपके कार्यकाल में। एक और फैक्ट जो मैं आपको देना चाहूंगा, बीजेपी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है ना, कहती है कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हिंदुओं की रक्षा करते हैं। एक और सच जान लीजिए, इसी पार्टी के शासनकाल में हम सब हिंदुओं के भगवान, भगवान जगन्नाथ जिनका मंदिर है, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ट्रस्ट के 545 करोड़ रुपए यस बैंक में है। वो 545 करोड़ रुपए भगवान जगन्नाथ के, हमारे हिंदुओं के भगवान जगन्नाथ के पैसे भी यस बैंक टका गया, भाजपा टका गई, भारतीय जनता पार्टी ने भगवान तक के पैसे को नहीं छोड़ा, भगवान जगन्नाथ के पैसे तक को नहीं छोड़ा। ये अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहते हैं, यह भी एक फैक्ट है, यह भी एक सच है। पूरे देश को CAA, NRC, NPR और दंगों की आग में झोंककर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को हिंदू मुसलमान करकर हर एक देशवासी का ध्यान भटकाने का काम किया कि हम लोग बेरोजगारी पर भाजपा सरकार से सवाल ना पूछें, हम लोग बैंक दिवालिया हो रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, हमारे लाखों करोड़ों रुपए बैंकों में फंस गए हैं, आज वो पैसे हमें वापस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आपका ध्यान भटक जाए और आप किसी प्रकार का सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित या बैंकिंग प्रणाली से संबंधित भाजपा से ना पूछें, केवल और केवल आपका ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कल्पना के परे है कि अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहने वाली हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाई, 18 लाख अकाउंट धारक जो हिंदू हैं उनका पैसा भाजपा सरकार के अधीन यस बैंक में डूब गया, भाजपा बचा नहीं पाई। पीएमसी बैंक, जिसके बारे में आपने अभी कुछ दिन पहले सुना था कि पीएमसी बैंक दिवालिया हो गया, जिसमें लगभग 51,000 ग्राहक थे, कस्टमर्स थे, अकाउंट धारक थे, एक अनुमान के मुताबिक उन 51,000 धारकों में से लगभग 42,000 अकाउंट धारक हिंदू थे, उन लोगों का पैसा भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बर्बाद हो गया, जमा पूंजी खत्म हो गई। यह है हिंदुओं की पार्टी, यह है हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी के दो गले चेहरे को आपको पहचानना होगा, भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडा का, धर्म की हफीम जो लोगों को सुनाते हैं उनका पर्दाफाश आप सबको करना होगा और ये बताना होगा कि ये पार्टी ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना ही इंसान की है, ये पार्टी सिर्फ चंद उद्योगपतियों की। और ये उद्योगपति कौन है? ये उद्योगपति वो है जिन्होंने 2014 से लेकर 2019 के बीच यस बैंक से लाखों करोड़ों रुपए कर्ज के तौर पर लिए और वो सारा पैसा डका गए। ये उन उद्योगपतियों की पार्टी है, ना ये हिंदू की पार्टी है, ना आम इंसान की पार्टी है, ये सिर्फ उन उद्योगपतियों की पार्टी है। मैं आज इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेताओं से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कोशिश करूंगा ये कहने की कि आप सब बड़े बड़े पत्रकार इस कमरे में बैठे हैं आज इस प्रेस वार्ता में, कृपया करकर भाजपा के आला नेताओं से ये पूछो कि आप तो हिंदू की पार्टी हो, रोज छाती पीट कर सीना चौड़ा कर कहते हो कि हम हिंदुओं की रक्षा करोगे, तो मुझे ये बताओ कि 18 लाख हिंदू धारक, अकाउंट धारक जो थे यस बैंक में, उनका पैसा आपने क्यों डूबने दिया?
उस गरीब हिंदू का पैसा क्यों डूबने दिया आपने, इसका आप जवाब दें। मैं आपको बता दूं, कुल 21 लाख अकाउंट होल्डर्स हैं यस बैंक में, 21 लाख, उसमें से 18 लाख अकाउंट होल्डर्स हिंदू, और जिसमें एक सबसे बड़ा अकाउंट धारक है हमारे भगवान जगन्नाथ प्रभु का जो मंदिर है, वो इनके शासनकाल में भगवान जगन्नाथ के भी 545 करोड़ रुपए इन उद्योगपतियों ने डकार लिए भाजपा के रहमो करम पे, भाजपा के चलते। भाजपा अपने आप को जो हिंदुओं की पार्टी कहती है, उसी भाजपा के वजह से आज 18 लाख हिंदू अकाउंट धारक जो यस बैंक में, उनके पास अपनी जमा पूंजी नहीं बची, वो सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई। भगवान जगन्नाथ का ट्रस्ट 543 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, उद्योगपति डकार गए। भारतीय जनता पार्टी से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब ये सारे सवाल जाकर अवश्य पूछेंगे। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि ये एक एक कर जो बैंक दिवालिये हो रहे हैं, रोज आप सुनते हैं कि एक नए बैंक में परेशानी आ गई और एक महीने बाद वो बैंक दिवालिया हो गया। आज देश की जनता का हिंदुस्तान की बैंकिंग प्रणाली से विश्वास उठता जा रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि हम अपना घर अपने अपने दराज में अपना पैसा संभाल कर रख लेंगे, लेकिन बैंक में नहीं रखेंगे, बैंक में पैसा सुरक्षित नहीं। और मैं एक जानकारी आपको और दे दूं, जब जब कोई बैंक दिवालिया होता है तो भारत सरकार केवल और केवल 1 लाख रुपए तक का आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आज मैं यस बैंक का अकाउंट धारक हूं और मेरे सेविंग्स बैंक अकाउंट भी है जिसमें 4 लाख रुपए हैं, और मेरा करंट बैंक अकाउंट भी है जिसमें 6 लाख रुपए हैं, 4 जमा 6 यानी कि 10 लाख रुपए मेरे यस बैंक में पड़े हैं। अगर यस बैंक दिवालिया हो जाता है तो भारत सरकार आरबीआई के कानून तहत मात्र 1 लाख रुपए की भरपाई करेगी, यानी कि 9 लाख रुपए की भरपाई कोई कानून, कोई प्रावधान, कोई ऐसा अनुच्छेद हमारे कानून व्यवस्था में, संविधान में, रूल्स, नोटिफिकेशन, स्टैट्यूट्स में नहीं है जो हमें बचा सके। 9 लाख रुपए डूब जाएंगे, मात्र 1 लाख रुपए की भरपाई, वो भी अगर होगी तो होगी, वो भारत सरकार करेगी। तो मैं आज इस मन से ये बताना चाहता हूं कि अपने आप को हिंदुओं की रक्षक, हिंदुओं की हित में काम करने वाली पार्टी की सच्चाई क्या है, और उम्मीद करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये सवाल अवश्य जाकर पूछेंगे।